रखे ना साफ करेंगे। हमने ना हथियार इसमें से काफी सारी गैस खारिज हुई है, ये देखें, तो इसमें से जो हवा खारिज हो रही है ये इससे भी काफी बेहतर हो जानी है। वो मिट्टी अंदर चले जाएगी। अगर यार आप लोग ना बोलना है तो उर्दू में बात करें, पंजाबी ना ये किस पोजीशन पे है, ये देखें बुक के पोजीशन पर है, वोट डालने पे ये उससे बेहतर होगी। पहले ये डेड शो कर रही थी और ये तकरीबन 11 वोट तक आ जाती है। अभी जब हम इसके तो इंशाल्लाह ये बेहतरीन परफॉर्मेंस में चली जाएगी। ये देखिए ये 6 वोट की ओके हो गई है, बैड है। सर कम अम्पेयर पे आती जा रही हैं, तो जितने कम अम्पेयर होते जाएंगे ये बैटरी फुल जब हो जाएगी उस वक्त 0 अम्पेयर लेना शुरू कर देगी। तो उसी चार्जिंग पे हम इसको तकरीबन घंटा दे देंगे। ये सोलर से डायरेक्ट प्लेटों से हम चार्ज कर रहे हैं और इसको 60 वोल्ट के करीब दिए गए हैं। ये इसको कहते होते हैं कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग। इस कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग में ये होता है कि बैटरी को मतलूबा वोल्ट दे दिए जाते हैं, अम्पेयर वो खुद से ड्रा करती है। अभी देखें इसने पहले शुरू में 14 अम्पेयर लिए। एक होता है कांस्टेंट करंट चार्जर। कांस्टेंट करंट चार्जर जो है उसके अंदर हम कांस्टेंट अम्पेयर देते हैं, यानी कि बैटरी को वोल्ट ज्यादा करके कम करके हमने अम्पेयर 12 या 13 फिक्स देने हैं। लेकिन ये कांस्टेंट वोल्टेज चार्जर है, क्योंकि सोलर प्लेट्स को हमने 60 वोल्ट पे रख दिया तो हम ये कांस्टेंट वोल्टेज के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं। जैसे जैसे बैटरी के वोल्टेज अप होंगे इसके एम्पीयर डाउन होते जाएंगे और ये पूरी चार्ज हो जाएगी। ठीक है जी, अभी ये देखें 7.5 एम्पीयर ले रही है डीसी और ये 14 एम्पीयर से स्टार्ट हुई थी। तो इंशाल्लाह ये बैटरियाँ फिट होकर चल जाएंगी
और ये जो इनका जो बैकअप टाइम है वो एक मिनट से भी कम रह गया था, इंशाल्लाह ये घंटा दो घंटे बैकअप टाइम पर चली जाएंगी।